एक्सरसाइज कराऊंगी. ओके लेसन 14, लेसन 14 एक्सरसाइज कराती हूँ. ओके एक्सरसाइज में क्या दिया है, आवर एनवायरनमेंट, हमारा चार पास क्या है, क्या है हमारे चार पास, हैं चार पास आप लोग को पता है. एनवायरनमेंट में दिया है मिनीज हाउस, मिनीज हाउस कैसी है, और एक टीनूज हाउस, दोनों हाउस में दिया गया. क्या दिया इसमें एनवायरनमेंट, हमारा घर है, घर के आसपास क्या है, एनवायरनमेंट मतलब आसपास पर परिवेश, ट्रीज होता है और गार्डन होते हैं, बस रास्ता होता है, रोड होता है, हैं नेक्स्ट क्या होता है, हाउस में हाउस दिखाई देता है और ट्रीज हाउस ये सब हमें दिखाई देता है, हैं हाउस के ऊपर एक्टिविटी दिया गया है. यहाँ पे देखो क्या क्या एक्टिविटी किया है, और सुबह उठ के हमें परिवेश में कैसा रहना चाहिए, सुबह उठ के पहले मॉर्निंग में नहाने का, हाथ पहले नहाना नहीं, पहले हाथ मुँह धोकर ब्रश करना है, हैं फिर नहाना है, फिर नाला ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद हमें तैयार होकर कम लगाना है, माथे में नेल स्टिक है देखना है, फिर बाद में हमें क्या करना है, जो स्टडी करना है, पढ़ना है तो पढ़ाई करना है, खेलना है तो खेलने के लिए जाना है. मॉर्निंग में हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एंड इवनिंग में खेलने जाना होता है. और आसपास जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ये धुआं निकलता है ना ऊपर से, इसमें से पॉल्यूशन होता है. ओके ये पॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, बचने के लिए दूर घर करना होता है, फैक्ट्री के पास पास कोई रहना ही नहीं चाहिए, क्यों वहाँ की फैक्ट्री का जो गंदा पानी है वो निकलता है और वहाँ से ऊपर तक कहाँ जाता है, धुआं निकलता है, तो वो परिवेश हवा खराब करता है. ओके नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज करा लो. ओके क्वेश्चन नंबर 1, इन द ब्लैंक्स. ओके फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या लिखा है, क्या मैंने पहले क्वेश्चन लिखूं उसके बाद आंसर लिखाऊं. ओके We should plant smoke that is
That is the air. We
स्मोक दैट इज द एयर, धुआं हमेशा एयर को गंदा करता है। धुआं जो निकलता है फैक्ट्री बोलो, गाड़ी कार बस, ये सब का जो धुआं है, फैक्ट्री का तो बहुत ज्यादा धुआं होता है। कोई भी छोटे बड़े क्या बोले, ये सब खाना बनाने वालों भी बहुत धुआं निकलता है, हैं? खाना बनाते हैं और लकड़ा जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, वो भी एयर डार्टिंग हो जाता है। वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड फैक्ट्री थ्रोन इन टू द रिवर दैट इज द वाटर। देखो सब फार्म से, हाउस और फैक्ट्री से क्या होता है, गंदा पानी निकलता है, गाटर लाइन से वो सब पानी कहाँ जाता है, सब रिवर लेक या सी ये सब में जाता है, और उसमें से क्या होता है, पानी सब पानी गंदा होता है, डार्टी हो जाता है, और उसमें हम लोग को क्या करना होता है, वही पानी पीने के लिए लाना होता है, पर प्यूरिफाई करके, तो ये नहीं करना चाहिए। ड्रिंकिंग डार्टी वाटर विल मेक यू सी, अगर गंदा वाटर आप पानी पियोगे तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट में दिया गया क्लीन वाटर इज प्रीशियस, क्लीन वाटर जबरदस्त पानी है, जो क्लीन वाटर आप पीजिए आपके शरीर अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यू शुड नॉट वेस्ट, जिसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यस हाँ, यू शुड नॉट वेस्ट, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आएगा, वॉक साइड, कौन सा डायरेक्ट
किया गया? योर टीचर इज फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने टीचर खड़ा है। सुशील इज सिटिंग बिहाइंड, सुशील ये बॉय जाए वो पीछे। मीता इज सिटिंग ऑन योर लेफ्ट, लेफ्ट में मीता बैठे है। यू कैन पॉइंट आउट टू हर विथ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन सी तरफ है? द लेफ्ट हैंड शोज द लेफ्ट डायरेक्शन। राज इज सिटिंग ऑन योर राइट, यू कैन पॉइंट आउट टू हिम विथ योर राइट हैंड। द राइट हैंड शोज द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में है। द वर्ड्स लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बिहाइंड गिव अस डायरेक्शन, हैं इस साइड को क्या बोलते हैं? लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बिहाइंड, ये चारों दिशाओं है। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ओके, तो टू इच मान मोहन्स हाउस गो स्ट्रेट इन फ्रंट देन टर्न लेफ्ट। चलो ये हाउस दिया गया। माया इज स्टैंडिंग फेसिंग द राइजिंग सन, देखो माया एक लड़की है वो सन की तरफ फेस करके, जब सन उगता है उसके तरफ फेस करके खड़े है। हाँ, सी इज फेसिंग द ईस्ट, मैं ऐसे खड़े हूँ ना, सी इज फेसिंग द ईस्ट। इज सी बिहाइंड इज द वेस्ट, और नॉर्थ टू हर लेफ्ट इज नॉर्थ और राइट इज साउथ डायरेक्शन। ओके, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सन उगता है पूर्व में ईस्ट में और वेस्ट में डूबता है। ओके, तो डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को पता है, और एनवायरनमेंट के आप लोगों को पता है, एनवायरनमेंट में ट्रीज हमें क्या काम देता है, ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीज हमारा पॉल्यूशन कम करता है, पॉल्यूशन नहीं होता है इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए ये भी देखना है, वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हैं? एयर वाटर और क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, और नेक्स्ट क्या है, पूरा दुनिया में सबके हमें मुंह में नाक मुँह बंद करके चलना चाहिए, पॉल्यूशन से सब कुछ जान जाता है शरीर के अंदर और वहाँ क्या हो जाता है, अंदर सब जान जाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे जान हमारा अंदर ना जाए, हैं ये ध्यान रखो। और डायरेक्शन ध्यान रखना फोर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार दिशाओं है, पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चार दिशाओं में हम लोग को कैसे पता चलेगा? सूरज जिस तरफ उगता है उस तरफ आप फेस करके खड़े हो जाओ और फेसिंग में देखो कौन सी दिशाओं है, वो पूर्व दिशा में सूरज उगता है ये ध्यान में रखना है। तो ईस्ट है और पीछे साइड में होता है वेस्ट, और लेफ्ट में होता है नॉर्थ, राइट में साउथ, इतना ही हमें ध्यान रखना है। और एक लड़की को देखे यहाँ दिखाया गया। ओके, और आपको एयर पॉल्यूशन ये एनवायरनमेंट में थोड़ा एक्टिविटी दिखाया, एक चार्ट पेपर ले लो और उसमें क्या लेना है, कैसे गंदगी आता है, कैसे आपको पता चलेगा जो एयर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है, ये आपको कैसे पता चलेगा? एयर पॉल्यूशन में आपको पता चलेगा जो एक चार्ट पेपर लो और कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करना है, उससे व्हाइट पेपर चिपका दो, व्हाइट पेपर चिपका के उसमें फेविकॉल लगा दो, कुछ दिन बाद आप देखोगे वो एकदम धूल मिट्टी या धूल मिट्टी जो उड़ता है ना वो आके जम गया पूरा। आप घर पे देखो ना, घर पे मम्मी कार्डबोर्ड में इतना सुंदर साफ सफाई करके सब बर्तन रख देते हैं, घर पे आप लोग ध्यान रखो बर्तन भी रख देते हैं, कुछ कार्डबोर्ड ये होता है, फर्नीचर होता है जहाँ पे शोकेस होता है वहाँ इतना सुंदर साफ करके सब रख दिया, देखो दो चार दिन के बाद वहाँ पे मिट्टी आकर बैठ जाता है, वो कितना गंदगी साफ करना होता है। स्कूल में भी डेली बेंच के ऊपर व्हाइट 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 जान हो जाए, सफेद हो जाता है, क्या धूल मिट्टी है, चौक डस्टर तो अभी कुछ ही कुछ नहीं हो रहा है।
क्यों मिट्टी आता है? वो हवा से बंद होता है तो भी, बंद के घर में दरवाजा में भी तो भी आ जाता है और वो साफ करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। ये गंदगी अगर पेट में जाता है तो हमें तबीयत शरीर खराब हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपने आप को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना और वो हमेशा बंद रखना चाहिए। लेकिन बंद रख के तो हम पूरा टाइम नहीं चल सकते, थोड़े दूर जाओगे और जो मास्क सिस्टम है वो भी पहन के जाना है, बहुत अच्छी बात है, उठ के कोई कुछ बीमार ना आ जाए, लेकिन पूरे टाइम मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है। ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक एक्टिविटी दिखाया, एक्टिविटी क्या है? मम्मी एक चार्ट पेपर लिया और एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर चार्ट पेपर चिपका दिया, चिपका के अपने दीवार में लगा दिया। छोटे बच्चे कैसे पता चलेगा? तो उसके ऊपर एकदम काले काले बुन 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 या आके धूल आके जम गया हाँ, उसको क्या बोलना होता है? वो क्या है? वो जारी से। पानी में भी ऐसा ही होता है, आप ऐसे पानी में नहीं दिखाई देगा, कितने भी ढक्कन लगा के रखो कुछ रखो, वो एयर टाइट वाला होता है तभी उसमें पता नहीं चलता, लेकिन एयर टाइट ना हो तो पता चलेगा। पानी के ऊपर छोटे 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 ड्रा बुद बुझा, एक बार फिर पानी खुला रख के देखो, आज खुला रख के रख दो, दूसरे दिन देखना उसके ऊपर कैसे व्हाइट व्हाइट हो जाता है। खाली धूल मिट्टी में जाम होता है ऐसे नहीं, धूल मिट्टी के साथ ही कितने सारे जाम आता है, जा कचरा साफ करते हैं। तो आप लोग को ये सब ध्यान रखना चाहिए, पॉल्यूशन जैसे ना हो जाए। प्लेट जितना लगा हुए ट्रीच जितने सारे घर के चारों होगा उतना ही हमारे घर अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, मतलब फ्रेश एयर मिलेगा, हवा में कोई गंदगी नहीं आएगा, वो पकड़ लेता है और वो एयर फ्रेश करता है। प्लेट ट्री जितना लगा रखेंगे तो सब फ्रेश करता ही है, ओके। इसीलिए हमें ध्यान रखना है वो सब, हमें कितने सारे प्लांट है घर में, ट्रीज कितना हम लगा सकते हैं एयर फ्रेश करने के लिए। और पानी में हमेशा पानी में गटर लाइन का पानी जहाँ जा रहा है वो यूज नहीं करना चाहिए, वहाँ पे गांव के लोग कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर गाय गोरु भैंस उसको ले जाते हैं वहाँ साफ कर नाला के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना उस पानी में हम खुद ना नहाए, पानी में बर्तन ना धोए, कपड़ा ना धोए। गांव के लोग ऐसे करते हैं, एक ही तालाब है उसके अंदर बहुत सारे काम होता है, सभी काम एक ही तालाब में होता है हैं। ये स्विमिंग पूल हम अच्छा बोलते हैं लेकिन स्विमिंग पूल कभी अच्छा नहीं होता है, वहाँ कितने सारे लोग नहाते हैं, कितने सारे वो पानी मुँह में ले रहा है, फेंक रहा है, थोड़ी थोड़ी पूरा पानी में निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं निकलता है, उसमें से भी बीमार आता है, उसमें से भी ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो इतना ही है पॉट्यूलेशन का एक्सरसाइज जितना किया गया इतना ही आप लोग लागू करोगे, और एनवायरमेंट क्या क्या है वो भी देखना है, जैसा गार्डन है, वाटर पार्क है, हैं, और क्या है वहाँ आस पास, तालाब है, ये सब आपको अच्छा लगेगा। आप लोग ध्यान रखो जितना हो सके अपना यार से, स्मोक दैट इज द एयर, स्मोक मतलब धुआं, फैक्ट्री का जो धुआं होता है वो भी हवा में पूरा आके पूरा खराब करता है सभी जगह, कितना काले काले धुआं निकालता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। गाड़ी जाता है सामने देखो उसके पाइप में कितने सारे काले काले धुआं निकलता है, वो पेट्रोल का, केरोसिन का, डीजल का, उसका ही धुआं होता है। अरे आपको ध्यान रखना है हमें कितना ठीक रेस है, कितना ट्रीज या घर का प्लान, जो लोग फ्लैट में रहते वो चारों तरफ क्या करे, कौन सा प्लान लगाए, कुंडी में चारों तरफ प्लान लगा दो, वो भी उसके लिए भी बहुत अच्छी है, ओके। तो आप ये लेसन आज के लिए यहाँ रख दो और अच्छा से लागू करना और पढ़ने का, और बाद में ये सब बहुत अच्छे से लागू करना है, ओके। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट कराएंगे।